ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਕੇ वे जीवन के 80 वसंत पार कर चुके हैं।
गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर और स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से उनकी कमेंट्री उनके द्वारा दिया जा रहे आपको देखा हाल हम सब सुनते रहे हैं। मैं हमसे आग्रह करता हूँ कि वे कुछ कुछ से अपना सम्मान हमारे द्वारा करें। देवियों सज्जनों, आज इस समय सभागार में मराठा लाइट इन्फेंट्री की नौवीं पलटन के अनेक जवान और अधिकारी उपस्थित हैं। पूर्व इसके कि मैं उनसे अनुरोध करूं कि जनजीवन की आज कथा के कुछ अंश हमारे जवान पढ़े, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज बहुत से अंश जो हम आपको नहीं बता पाए हैं, एक आज मैं स्वयं बता देना चाहता हूँ, और वो ये कि जनरल जे जे सिंह तीन पीढ़ियों से हमारी सेना में है। ये उनके पिता यहाँ पर उपस्थित हैं और पितामह जो हमारे बीच नहीं है, उन्होंने जब फ्रांस की लड़ाई में भाग लिया और घर आए तो उनकी पत्नी ने उनको इसलिए नहीं पहचाना कि उनके केश तब नहीं थे और गोरे को इतने थे कि फिरंग लगते थे, और पत्नी ने कहा मैं तुम्हें घर में नहीं आने दूंगी, तुम मेरे पति नहीं हो सकते, तुम तो कोई फिरंग लगते। लेकिन जब उन्होंने कुछ पुरानी घटनाओं का वर्णन किया, आठवीं बातें बताई, तब आपकी दादी जी ने आपके दादाजी को घर में आने। देवियों सज्जनों, अनेक ऐसे रोचक संस्मरण जनरल जे जे सिंह ने लिखा है और उनमें ये भी है कि अभी जो विशिष्ट व्यक्तियों को शॉल पहना रही थी, कैसे इनकी मुलाकात उनसे हुई, वो भी बहुत रोचक है। जनरल जे जे सिंह जिस प्रकार से युद्ध करते हैं उसी प्रकार से प्यार करते हैं, यानी जिस मुहिम पर लग गए वहाँ जीतना आवश्यक है, लड़ो जीतने के लिए, ये इनका नारा रहा है जो इस पुस्तक में भी है। तो पुणे में जब 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर एक नृत्य का आयोजन था, बॉल रूम डांस जिसे कहते हैं, तो आपने देखा कि एक बहुत ही सुंदर नई उम्र की लड़की वहाँ बैठी है, और चूंकि ये कैप्टन थे और कैप्टन डैशिंग होते हैं, तो आप वहाँ चले गए और ये सोचकर अभी मैं इनके साथ तो नृत्य कर ही लूँगा, उसे कहा कि आप आइए, लेकिन अनुपमा जी ने हमारे जनरल जे जे सिंह को खास नहीं कर मना कर दिया, लेकिन ये फिर भी हिम्मत नहीं हारे और अनुपमा जी के माँ के पास पहुँचे। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील तो होती तो अपील किया और कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ नृत्य करना चाहता हूँ, और जिस जोश से और खरोश से उन्होंने कहा तो माँ मना नहीं कर सकी। उसके 2 ही महीने बाद इनकी सगाई हो गई और विवाह हो गया। बधाई हो आपको। और यही नहीं, जनरल जे जे सिंह का जन्मदिन आज से 6 दिन पहले हुआ, आपको फिर जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो। हम 6 दिन विलंब से आए, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अनुरोध करूंगा मराठा लाइट इन्फेंट्री की नवी पलटन, जहां पर जनरल जे जे सिंह सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में वहां पर कमीशन प्राप्त करके सबसे पहले बेलगाम पहुंचे थे, तो वही जवान यहां इस पुस्तक के कुछ अंश का पाठ करेंगे। जब जनरल जे जे सिंह सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में बेलगाम पहुंचे तो इन्होंने सोचा कि कोई गाड़ी आड़ी होगी बाहर, उन दिनों कोई गाड़ी उनको नहीं दी गई। अब बात दूसरी है, पुलिस ने कहा कि आप एक ताना कर लीजिए और पहुंच जाएंगे। इन्होंने ताना किया जिसमें इतना मरियल घोड़ा लगा हुआ था कि जब पहाड़ी पर अपने सेंटर की ओर गए तो ताइवान भी उतर गया, तो सामान भी उतर गया और सब ने ताने को ढकेल करके ऊपर पहुंचाया। लेकिन मराठा लाइट इन्फेंट्री ने जो जीवन जनरल जे जे सिंह को दिया वो शायद ही कहीं मिले, और वो जोश, वो भावना
कि हम युद्ध करेंगे और युद्ध में विजयी होंगे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों पर विजयी होते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ राजेंद्र, राजेंद्र जी आप आइए और पुस्तक का जो अंश पढ़ेंगे। पुस्तक लाए हैं? लाए हैं। तो तुम युद्ध में बिना राइफल के कैसे कर सकते हैं? आइए यहाँ और ये बताइए कि पुस्तक आपको तो कैसी लगी? ये पब्लिसिटी इमेज नहीं। शुभ संध्या, मैं हवलदार क्लर्क राजकीय पाटिल नाइन नोएडा से। सबसे पहले आदरणीय जनरल साहब को मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को मैं विश करते हुए अपना एक जनरल सारांश जो मैंने अपना बनाया था, मुझे जो किताब से कुछ चीज़ें अच्छी लगी थी वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जनरल साहब, सबसे पहले तो कमीशन होके हमारे मराठा इन्फेंट्री में आए थे, उसके बाद हमारा ये सौभाग्य रहा कि उन्होंने नाइन मराठा को कमांड किया, वो नाइन मराठा के छठे सीओ बने। उसके बाद जनरल साहब ने जो उपलब्धियां हासिल की उनकी उनको गिनने की तो मेरी क्षमता नहीं है, क्योंकि वो सभी को पता है, उसको गिन के मैं यहाँ अपना वो ये कम नहीं करना चाहता। मैं बाकी कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि सीओ पलटन के सीओ साहब रहने के बाद जनरल साहब ने हमारे पलटन को फ्रिक्वेंटली विजिट किया, विजिट करके अपना अनमोल मार्गदर्शन दिया, जो कि हमारे पलटन को बहुत ही फायदेमंद रहा। उन्होंने अभी रिसेंटली यहाँ पे ओडी सेक्टर में हमारे पलटन को विजिट करके जो आर्मी में डिसिप्लिन की क्या महत्व है वो बताया, और उनका मार्गदर्शन हमेशा एक फौजी के लिए अच्छा ही रहेगा। आज इस संध्या में जो हम एक जनरल साहब की आत्मकथा रिलीज करने के लिए यहाँ पे आए हैं, मेरा ये सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इस टाइम पे आपके सामने खड़ा होकर जनरल साहब के बारे में कुछ बोल पा रहा हूँ। मैंने मेरे को जो एक सारांश अच्छा लगा वो मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। मराठों के लिए मेसोपोटामिया में उनके हथियार रखने की भव्य एवं प्राचीन वीर परंपरा का एक युगंधरकारी चलन था। रेजिमेंट द्वारा बहादुरी, धैर्य और रणभूमि की कठिन परिस्थितियों तथा प्रथम विश्व युद्ध के भीषण अभाव को झेलने का शानदार प्रदर्शन पेश किया था। इसके सम्मान में उसे लाइट इन्फेंट्री, जिसको चमकदार पैदल सेना के खिताब से नवाजा गया। तमाम पलटनों को भारी नुकसान हुआ, काफी जवान हताहत हुए, कुछ बटालियन को युद्ध के दौरान दोबारा खड़ा करना पड़ा। इसके लिए कुछ जवान सहयोगी बटालियन से लिए गए और कुछ ताजा भर्तियां की गई। इसी अभियान के दौरान 117वीं बटालियन, जो कि अब 5वीं बटालियन है, उसका शौर्य, विशिष्ट आचरण, अनुशासन, समर्पित सेवा, इसके लिए सम्मान सूचक खिताब, जिसको रॉयल बोला जाता है, दिया गया। स्वतंत्र विश्व के लिए अपनी पलटन गौरव के लिए भारत सरकार, भारत के खास करके पंजाब और महाराष्ट्र के अपने हजारों लोगों को विदेशी धरती पर खोया है। वे नाम, निशान, नमक, दस्तूर और इज्जत के लिए जिए और मरे। वे गांव के सीधे सरल, अनुशासन प्रिय, गंभीर, जिम्मेदार और परिश्रमी लोग थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे ऐसे योद्धा बन सकते थे जिनको वीरता और बहादुरी किसी से भी कम नहीं थी। यही कहना गलत नहीं होगा कि वे आज भी ऐसे ही हैं। इतना बोल के मैं अपना चार चाहता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेंद्र पाटिल जी। और राजेंद्र पाटिल के बाद अब एन पांडे वो इसी पुस्तक के कुछ अंश पढ़ेंगे। नमस्कार, शुभ संध्या। ब्रिगेडियर सावंत साहब ने जो कुछ कहा बहुत अच्छी बात कही। हमारे सहयोगी हवलदार राजेंद्र पाटिल ने भी कहा, मैं कुछ अंश इसमें और जोड़ना चाहता हूँ। हमारे जनरल जयदेव सिंह साहब, अरे जनरल जयदेव सिंह साहब
कमीशन लेकर के मराठा में आए, बहुत बहुत गर्व की बात है। उन्होंने अपनी बुलंदियां और आगे बढ़ाते हुए आज भारतीय सेना के उच्च पद को भी बुलंदियों से और नवाजा और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पे रहे। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे मराठा रेजिमेंट कर्नल ऑफ द मराठा रेजिमेंट के भी पद पे रहा उन्होंने। इसके बाद भी उनकी बुलंदियाँ कम नहीं हुई। भारतीय सेना के साथ साथ हमारे भारत देशवासियों के साथ उन्होंने सेवा का मौका अवसर न चुकने पाए, इसलिए उन्होंने गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश की सेवा में कार्यरत में लग गए। और मैं मेरे तरफ से इतना और आग्रह करूंगा कि ये और ऊंची बुलंदियों को छुए। इन्होंने कुछ एक सेनाध्यक्ष की आत्मकथा की एक पुस्तक का विवेचन किया है, उसका हिंदी सारांश है। मैं उस सारांश का कुछ पद आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इन्होंने कुछ पद लिखा था, मेरे मन में बसे योद्धा। योद्धा का मतलब एक योद्धा वो होता है जो लड़े, अपनी वीरता को दिखाए और उसको आगे तक लेके जाए। इसी से ताल्लुक रखते हुए उन्होंने और आगे बढ़ा। योद्धा का ताल्लुक बहुत कुछ सिख इतिहास परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है। अपनी काल्पनिक उड़ानों में मैं खुद को प्राचीन काल के योद्धा के रूप में देखता हूँ, जो हिंदुस्तान की पश्चिमोत्तर सीमाओं में अक्सर आक्रमण करने वालों के खिलाफ मिशन पर निकला है, जिनका मूल मकसद जीतना, लूटपाट करना, अपहरण करना, बलात्कार करना और तबाही मचाना है। हमारे योद्धाओं की टीम में धर्म और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाले आक्रमणकारी ताकतों की दक्षता और जुल्म से देशवासियों को बचाने का संकल्प लिया हुआ है। अपने चेहरों पर प्रतिशोध और आक्रोश लिए हुए हम पीछे हट रहे विदेशी सैनिकों के कारवां पर डूब पड़ते हैं और उनके साथ रक्त की होली खेलते हैं। काफ़ी कुछ वैसा ही जैसा मेजर जनरल सर जॉर्ज यंग्स बैंड ने फिलिप मैसन की पुस्तक ए मैटर ऑफ ऑनर में 19वीं सदी के सिख घुड़सवार सैनिक का शानदार वर्णन किया है। हमारे कुछ आदमियों ने उनकी पगड़ियों खो दी है। एक सिख जिसके लंबे केस एक महिला के केस की तरह हवा में लहरा रहे हैं, नीचे की ओर आगे झुकते हुए और एक दानों की भांत चीखते हुए अपनी घुमावदार तलवार से सामने पड़ने वाले हर किसी पर वार करता है और दुश्मन के सिर काटने पर हल्की सी आवाज़ निकलती है, मानो भयानक स्वप्न का एक राक्षस। भागते हुए वह दुश्मन पर वह इससे ज्यादा दया नहीं दिखा सकता। हम कई बंधकों और कैदियों को छुड़ाते और ज्यादा से ज्यादा लूटा गया माल बरामद करते, खासतौर पर हम महिलाओं और बच्चों को छुड़ाते जो अन्यथा पेशावर, काबुल, कंधार या मध्य एशिया के बाजारों में दासों या गुलामों के रूप में बेचे जाते हैं। मेरी काल्पनिक उड़ाने का ये अनिवार्य हिस्सा था, लेकिन युवा स्वप्न वहीं पर खत्म नहीं होता। जब हम उन मुक्त किए गए बच्चों और महिलाओं से पूछते कि वे कहां से आए और क्या उनके परिवार के पास पहुंचा दिया जाए, तो वे कहते यदि संभव हो तो हम लोगों के साथ ही रहना पसंद आप लोगों के साथ ही रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब यह प्रश्न नहीं उठता कि परिवार उन्हें पुनः स्वीकार कर ले, वे अपने घर नहीं लौट सकते, उनके घर के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। उस वक्त के हिंदू और मुस्लिम समाज के परंपरागत रीति रिवाज बड़े कठोर थे, कड़ाई से लागू किए हुए जाने वाले नियमों के अनुसार ऐसी दुर्भाग्यशाली महिलाओं और लड़कियों को पाक साफ नहीं माना जाता था, जिनकी अस्मत लूट ली गई थी और इसलिए उन्हें तिरस्कृत किया गया था। इसलिए हमारे सामने एक चुनौती और थी और वह थी आगे के मारे इन लोगों को पुनः बसाना। आखिरकार अधिकतर बेसहारा औरतें और बच्चे पंजाब के मेहनतकश, गतिशील, धर्मनिरपेक्ष और आदर्श समुदाय के बीच अपना नया जीवन शुरुआत करते हैं।
पंजाब में उन लोगों को पंजाब के लोगों ने उन लोगों को शरण दी और सहारा दिया। इसके साथ ही मैं अपना भाषण शुरू करता हूँ। पांडे को धन्यवाद। और पूर्व इसके कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच जनरल एस के सिन्हा साहब पधार गए हैं। और प्रभात से अनुरोध है कि कुछ गुच्छ से उनका स्वागत करें। और मराठा लाइट इन्फेंट्री की नवी पलटन के प्रकाश कदम पुस्तक के कुछ अंश आपके सामने रखेंगे। पुस्तक के अनेक अंश हैं, ये तो थोड़े थोड़े आप हांडी का एक चावल देख के जान जाते हैं कि हांडी के शेष चावल कैसे अच्छे हैं। अब प्रकाश कदम। नमस्कार, शुभ प्रभात। साहब यहाँ पे उपस्थित दृष्टा, मैं भारत प्रकाश कदम नैन मराठा लाइट इन्फेंट्री से तालुका रखता हूँ। हमें यह गर्व है कि हमारा मराठा लाइट इन्फेंट्री से जनरल जैसे सिंह साहब पहले हमारे जनरल साहब रहे। इस बात पर हमें पूरा गर्व है। तो मैं इस प्रभात प्रकाशन लोकार्पण समारोह में पूर्व भारतीय दल सेनाध्यक्ष जनरल जैसे सिंह साहब ने जो एक सेनाध्यक्ष के आत्मकथाएँ लिखी है उसमें से कुछ सारांश पढ़ने जा रहा हूँ। फिल्मों या कबूल कानून के विपरीत जहाँ कमतर आगे गए प्रतियोगी को आकर्षक ढंग से पेश किया जाता है। युद्ध में अथवा जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करते हुए आदमी को हमेशा जुटी का जुजारू प्रतियोगी होना चाहिए। युद्ध के कारोबार में दाव बहुत ऊंचे होते, इसीलिए कोई मौका लेने का सवाल ही नहीं उठता है। अपने पूरे जीवन में एक टीम सख्त होने के नाते मैंने हमेशा जिम्मेदारी बांटने में विश्वास दिया था, क्योंकि एक आदमी की सीमा के चलते हर एक काम खुद करना असंभव होता है। लक्ष्य स्पष्ट कर दिए जाने के बाद में अधिकांश कठिन कार्य महत्व के हवाले कर देता हूँ। कुल काम का करीबी ऐसी मैं उन चंद चुनिंदा गतिविधियों पर अवश्य करीबी निगरानी और कड़ा नियंत्रण रखता हूँ, जिनका मिशन की सफलता पर बड़ा असर पड़ेगा। मैंने कोई गलती नहीं, अवधारणा में कभी भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि गलतियाँ तो होती है और मैं उन मुद्दों पर अपनी नींद नहीं गवाता। जो गलत हो जाते हैं इसी तरह से एक तनावमुक्त वातावरण बनाया जाता था, जहाँ माताओं को अपने बल का इस्तेमाल करने की छूट दी जाती थी। मैंने निर्देशात्मक सैन्य की कमान में यकीन करता हूँ और मेरी टीम का प्रदर्शन अधिकांशतः मेरी अपेक्षाओं से ज़्यादा ही होता है। जैसे जैसे कोई ऊंचे अहदे पर पहुँच जाता उसे एक दूरदर्शिता से दिलवाला और उदार नायक होना चाहिए, एक असली जनरल होना चाहिए। दूसरी ओर कुछ ऐसे वरिष्ठ कमांडर होते हैं जो कि बड़ी घटना के लिए अनेक बार रिहर्सल करते हैं और वे व्यक्तिगत रूप से यहाँ तक सुनिश्चित करते हैं कि रात्रि भोज में खाद्य पदार्थों की सूची भी सूक्ष्मता से जांच की जाए एवं उसका अभ्यास किया जाए। वे अपने कनिष्ठों को यह भी बताते हैं कि दिया गया काम कैसे करना है,
धरती पर इन नायकों के पास कोई वक्त कैसे बचेगा या यह उत्साह कैसे बना रहेगा कि वे बड़े मुद्दों को देख सके या आगे की सोच कर सके, साथ ही उनके आधार युद्ध में क्या करेंगे। कुछ ऐसे कमांडर होते हैं जो अपने आतंकियों को आतंकित कर सकते हैं, ऐसी यूनिटों को आतंकवादियों की तलाश नहीं करनी होती है, क्योंकि एक तो उनकी कमान संभाले हुए है, क्या हमारे ऐसे नायकों को नहीं देखा है। हवलदार प्रकाश कदम को धन्यवाद, उन्होंने अंशमान किया। आपका ये आज का कार्यक्रम प्रभात प्रकाशन की ओर से आयोजित है, इसलिए ये तर्क संगत है कि प्रभात प्रकाशन का एक संक्षिप्त परिचय दिया जाए। श्री श्याम सुंदर द्वारा सन 1958 में प्रभात प्रकाशन की स्थापना की गई। 58 से आज तक प्रभात प्रकाशन ने बहुत ही उन्नत, अच्छी पुस्तकें अच्छे संस्थानों को देना ये नीतिगत सिद्धांत रहा है। उत्कृष्ट गुणवत्ता इस नीति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान जिसका नाम मूडी है, उनके द्वारा ISO 9001:2008 प्रकाशक से प्रमाणित, जो विश्व में पहली बार किसी हिंदी प्रकाशन संस्थान को दिया गया है, उससे प्रभात प्रकाशन का सम्मान किया गया। उत्तम गुणवत्ता के लिए पिछले 20 वर्षों से भारतीय प्रकाशन उद्योग के मुख्य फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स उनके द्वारा लगातार प्रकाशन में श्रेष्ठता के लिए प्रथम पुरस्कार से भी प्रभात प्रकाशन सम्मानित हुए हैं। प्रभात प्रकाशन ने साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में विपुल प्रकाशन कराने के साथ साथ विज्ञान, गणित, स्वास्थ्य, मानविकी, भाषा विज्ञान, इन सभी पर पुस्तकें प्रकाशित की। सभी बड़े बड़े लेखकों को जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, सर V.S. नायर, मोहम्मद यूनिस आदि शामिल हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल और श्री लाल कृष्ण आडवाणी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, इनके अलावा JRD टाटा, दलाई लामा, वर्गीस कुरियन, R.A. माशेलकर, सुधा मूर्ति, M.N. सिंघवी, विजयपद सिंह गानिया, दीपक चोपड़ा, रॉबिन शर्मा आदि, उपन्यासकार चेतन भगत और पूर्व भारतीय थल सेना अध्यक्ष जो हमारे बीच उपस्थित हैं और हम भाग्यशाली हैं कि उनकी पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है। तो जनरल JJ सिंह की उस पुस्तक का जो है प्रकाशन हिंदी में प्रभात प्रकाशन ने किया। पाठकों को कम मूल्य पर पुस्तकें उपलब्ध कराकर उनकी साहित्यिक अभिरुचि में शीघ्र वृद्धि करने की दृष्टि से प्रभात पेपर बैग्स के बैनर तले लोकप्रिय और जन उपयोगी पुस्तकों का अल्प मूल्य में संस्करण प्रकाशित कर रहे हैं। ओशन बुक्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में श्रेष्ठ पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं। हिंदी पाठकों को सुरुचिपूर्ण पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अगस्त 1995 में लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार पंडित विद्या निवास मिश्र के संपादकत्व में साहित्य अमृत मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, जो अब साहित्य जगत में एक सुपरिचित नाम बन गया है। देवी और सज्जनों, अब आपने शब्द तो बहुत सुने कानों से, अब आप और कान दोनों का उपयोग कीजिए और जनरल JJ सिंह पर केंद्रित एक फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म का प्रदर्शन
generations, bring and boast to independence. The roots of the family draw their steadfast determination, raw courage, and groundings from the land of rugged mountains. Jogender Jaswant Singh was born on the 17th of September 1945 to Lieutenant Jaswant Singh Marwa and Rani Jaspal Kaur at Bhawalpur, undivided India. The general grew up in army environments, a life characterized by simplicity, deep bonding with peers and juniors, and a keen interest in outdoor activities. He joined the National Defense Academy in January 1961. J.J. Singh was commissioned into the 9th Maratha Light Infantry on the 2nd of August 1964. The general has been exposed to hands-on soldiering from day one in the army. A thinking general,
who was the architect of the Indian Army's doctrine and also acknowledged as the originator of the highly acclaimed concept of the Iron Fist and the Velvet Glove during counterinsurgency operations. Miss Lisa Servillo,
assistant professor, Stanford University, California, expresses her views on the general's book, A Soldier's General, which was recently launched in USA. Good afternoon. As we gather here to celebrate the US release of General Singh's autobiography, A Soldier's General, I'd like to speak about martial literature of the Western tradition and a bit about the book you will shortly be able to read. The link between arms and literature is as old as human civilization. For example, conflict between Pakistan and India in the shadow of the Siachen Glacier in the 1980s. In his narration of one event from 1987, which resulted in the death of 100 Pakistani uniformed men and the wounding of even more, General Singh graciously acknowledges the reports from the other side, the role of literature in understanding military actions and decisions. I quote from page 152. A chilling account of these foolhardy and ill-conceived operations, but with outstanding junior leadership and youthful bravado, is given in the book Fangs of Ice, Story of Siachen, by Lieutenant Colonel Ishfaq Ali of the Pakistan Army, end quote. The acknowledgement of his foe chivalrically balances General Singh's affirmation of territorial integrity and India's control of the region, specifically in terms of its human, military, and financial investments. Now, lest I give away too much of the book, I would like to conclude my remarks by turning again to the great Mark Twain and his assessment of General Grant's autobiography, the so-called personal memoirs. I quote Twain, clarity of statement, directness, simplicity, manifest truthfulness, fairness, and justice toward friend and foe alike, and avoidance of flowery speech, end quote. General Singh's A Soldier's General shares these same merits. With these words, stretching across the globe and back through time, I invite the American public to read A Soldier's General now upon its U.S. release. जनरल तेजस्वी का लेखकीय वक्तव्य है
और युद्ध में जनरेजी सिंह के परिचय के बारे में इंटरनेट से बहुत कुछ तैयार करके लाया था, किंतु आपने फिल्म में बहुत कुछ देख लिया। और इसलिए इसके बाद केवल हम इतना कहेंगे कि कश्मीर हो या नीफा, जिसको आप अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, हर जगह जनरेजी सिंह ने जौहर दिखाया है। हमारी मराठा लाइट इन्फेंट्री के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के रूप में कोल्हापुर नरेश से, जो कि मानद कर्नल ऑफ द रेजिमेंट मराठा से हैं, उनसे आपके बड़े मधुर संबंध रहे। और अंत में ये चर्चा करते हुए मैं कभी नहीं थकता कि कोल्हापुर नरेश ने मराठों की अनुपम तलवार जनरल जे जे सिंह को सम्मानपूर्वक समर्पित किया था, और वो तलवार, वीरों की तलवार आज भी मराठों के पास है, वीर मराठों के पास। बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। देवी और सज्जनों, अब जनरल जे जे सिंह से अनुरोध है कि वो अपना लेख किए वक्तव्य दे, लेखक के रूप में दो शब्द कहें। माननीय डॉक्टर करण सिंह जी, माननीय भीष नारायण जी, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा जी, बाकी माननीय उपस्थित मेरे दोस्त और फौजी कॉमरेड्स और जिन्होंने मेरे साथ सेवा किया, उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर हमें सुशोभित किया और इस फंक्शन का बहुत मान रहा है। ये कहना चाहता हूँ कि अब जो कुछ आपने देखा और सुना, खास तौर पे मेरे बारे में, वो मैं नम्रता से धन्यवाद करना चाहता हूँ। शायद मैं इतना काबिल नहीं हूँ जितना कि मेरे बारे में कहा गया है। सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एक अच्छे इंसान की हैसियत से जो भी काम मुझे मिला, मैंने उसको शत प्रतिशत से बढ़ के पूरा किया। और आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये पुस्तक जो मेरी है, ये एक भिन्न तरीके की पुस्तक है, क्योंकि इसमें सिर्फ बहुत सा सूखा सूखा पन नहीं है, इसमें रोमांचक चीज़ें हैं जो हम सबकी ज़िंदगी में होती हैं, जिनको हम महत्व नहीं देते। जैसे कि आपने किस तरह से अपनी सर्विस में कहां कहां पे चुनौतियों का सामना किया और छोटे छोटे हादसे बताए। मुझे कश्मीरी आतंकवादी और पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी मारने की पूरी कोशिश करते रहे 2 साल, कहते हैं इसको छोड़ दो, किसी और टारगेट को लो, क्योंकि गोलियां वेस्ट हो रही हैं, इसको शायद अल्लाह ही बचा रहा है। तो आप यही समझ सकते हैं किस तरह से मेरे को गोली भी लगी लेकिन ऊपर वाले ने बचा दिया। और मैं यही बिलीव करता हूँ कि जिसको राके साइया मार सके ना कोई, आप अपना काम निडर होके करो। फौजी हो तो जान तेरी पे लेके खेलो, कोई बात नहीं, शहीद हो जाओगे तो देश के लिए होगे, कुर्बानी करो देश के लिए करो। और हम सब की यही गाथा है। मैंने एक सिंपल सोल्जर की स्टोरी लिखी है जो मेरी स्टोरी है, कि एक सिपाही का पोता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है, इससे और प्रेरणा कितनी कौन दे सकता है। 3 पीढ़ियों में मेरे दादाजी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 में इराक में गए, उसके बाद बहुत भीषण तरीके जख्मी हुए गंभीर तरीके से, और उनका हाथ भी दाहिना हाथ नाकाम हो गया। फिर वो फ्रांस में जाके हॉस्पिटल में रहे, वहाँ से बाद में हिंदुस्तान आए। तो 1914 की शुरू की हुई उनकी कहानी, मेरे पूज्य पिताजी यहाँ पे है, ही इज ऑल्सो यंग 93 कर्नल वर्मा एंड ही इज हियर। Very few people have the blessings of their elders, but we are fortunate, grace of God. और मेरे दादाजी के कुछ कहने थे, एक तो था कि बच्चा, आप अगर सही रास्ते पे, नेक रास्ते पे चल रहे हो, if your cause is just and your path is righteous, then you will always
सक्सेस और विक्ट्री इन वॉर एंड पीस। दादाजी ने और पिताजी ने भी ये कहा, मेहनत करके आगे निकलो, ना कि किसी को अड़ंगा देके अपने से आगे जाने वाले को नीचे करो और आप आगे जाओ। तो ये भी मेरे मन में ये था, दृढ़ निश्चय करके जिस मैदान में मैं उतरा मुझे कामयाबी मिली। मुझे ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं कि मैंने कभी हार का सामना नहीं देखा इस ज़िंदगी में। हो सकता हूँ मेरे को कहीं से कुछ ताकत मिल रही है, वो हमारे सबके लिए ताकत, वो हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की है। और ये हिंदुस्तानी सभ्यता है, ये कई हजारों साल पुरानी है, इसकी ताकत को हम अगर उसको ले सकते हैं तो हमें कभी कोई बात नहीं कर सकता। हमारे देश का भविष्य बहुत अच्छा है। मेरी किताब में मैंने फौज के साथ ताल्लुक रखते हुए सारे अंश लिखे हैं, चाहे वो चाइना है, पाकिस्तान है, काउंटर इंसर्जेंसी है, या आप देख लीजिए जो भी देश की रक्षा करने के लिए जो कुछ हमको करना चाहिए उसके बारे में मैंने लिखा है। और इसको पढ़ के मेरे को उम्मीद है कि लोगों को एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि क्या मैंने देखा। वो मेरे विचार है लेकिन सारांश निकाल के किया है मैंने। अगर कारगिल के बारे में जानना चाहते हो तो 10 पेज मेरी पुस्तक के पढ़ लो, उसमें आपको कोई गलती नहीं मिल सकती, क्योंकि वो सारांश है पूरे। हमने उस लड़ाई में योगदान दिया था, मैं प्लानिंग में था। इसी तरह से सियाचिन के बारे में लिखा है, चाइना की बाउंड्री के बारे में लिखा है, पाकिस्तान के साथ एलओसी के बारे में लिखा है। परवेज मुशर्रफ के साथ मेरा कोई ये नहीं था। मैं जानता हूँ कि वो आदमी, उनको मैं मिलना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो गलत झूठ बोलने में भी कभी हिचकिचाते नहीं थे। और इसलिए मैंने इसमें लिखा है कि उनके और मेरे बीच में बहुत अंतर था। मैं ये कह सकता हूँ यकीन से, एज अ टीम कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, इंडियन आर्मी, अगर युद्ध होता तो मैं ज़्यादा योगदान दे सकता था अपनी फौज के लिए उनके कंपेरिजन में, क्योंकि वो दो तीन टोपियाँ पहन के जा रहे थे। अभी भी मैंने उनको यही कहा कि आप कहीं फिर से मिसकैलकुलेशन तो नहीं कर रहे हो जब पाकिस्तान में आ रहे हो, क्योंकि आप समझते हो कि लोगों का आपको सपोर्ट है, आर्मी का सपोर्ट है। शायद ये भी कारगिल जैसी मिसकैलकुलेशन हो सकती है। उसका चेतावनी मैंने 3 साल पहले जब किताब लिखी उस समय दी, लेकिन अब वो आए हैं, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये सबको कहना चाहता था। इसके अलावा हमारे लीडरशिप के बारे में, देश के अंदर फौज की लीडरशिप के बारे में भी काफ़ी कुछ मैंने अपना तजुर्बा शेयर किया है लीडर्स के साथ। और यही कहना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में मेरी धर्मपत्नी, मेरे पिताजी, मेरे बच्चे, इन सब ने बहुत योगदान दिया है। और मेरे साथ जहाँ तक भी जाए मैं एक टीम खड़ी करता हूँ और टीम से काम बहुत अच्छा होता है। आज भी अरुणाचल प्रदेश के मेरे 2 सेक्रेटरी यहाँ हैं, वो हाजिर हैं इस फंक्शन के लिए, वो भी मुझे ताकत दे रहे हैं। 9 मराठा जहाँ पे मैं पैदा हुआ था फौज में, वहाँ के भी बहुत नुमाइंदे इधर हैं, सब बहादुर जवान ऑफिसर के, इन सब ने मेरे साथ तो नौकरी नहीं की, शायद कई तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं 9 मराठा में भर्ती हुआ, लेकिन फिर भी ये टीम तो है 9 मराठा। इसी तरह से इंडियन आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठे हैं, और भी बाकी फौज के सेवानिवृत्त सीनियर ऑफिसर्स हैं। जनरल सिन्हा साहब के बारे में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी फौज के एक बेहतरीन जनरल हैं, और इनके बारे में मेरी किताब में वर्णन है कि सीनियर ऑफिसर्स, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स किस तरह से उनका चाल चलन होना चाहिए और किस तरह से उनको बहुत अच्छी ग्रेस के साथ, डिग्निटी के साथ अपने आप को फौज से छोड़ना चाहिए। ये सब मेरी किताब में लिखा हुआ है, इनका खास जिक्र किया है क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है हमारे लिए। तो ये यहाँ आए, महाराजा करम सिंह कश्मीर के इतिहास से बहुत जुड़ा हुआ है इनका पूरा परिवार, और इनको मैं कुछ सुना रहा था बातें, तो बाद में उसको आगे बढ़ाएंगे। और विष्णु नारायण सिंह जी, ये हमारे जाने पहचाने और माने हुए नेता हैं, ये गवर्नर भी रह चुके हैं कई स्टेटों में, ही इज कॉल्ड गवर्नर ऑफ गवर्नर्स, तो इनके सामने हमारी क्लास भी चल सकती है, लेकिन ये ऑल्सो यूनियन मिनिस्टर भी थे। बट आप सब आए हैं, आप सब ने मुझे ये अपना प्यार दिया है और आपने अपना कीमती टाइम लगाया है यहाँ आने के लिए, मैं आपके लिए बहुत हार्दिक तरीके से शुक्रगुजार करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट।
धन्यवाद जनरल जे जे सिंह और आपके पिता जो 93 वर्षीय हैं मारवा कर्नल मारवा यहाँ है, परमात्मा से प्रार्थना है कि वो शतायु हो 100 वर्ष तक जी और स्वस्थ रहे। देवी और अब समय आ गया पुस्तक लोकार्पण का, जिसके लिए हम और आप यहाँ उपस्थित हैं। पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद आप कर लेना। क्या बचा ही क्या है? मेरा ख्याल है झगड़ा निपट जाए तब मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, देवी और सज्जनों, श्री भीष्म नारायण सिंह का जन्म 13 जुलाई 1933 को उदयगढ़ जिला पलामू। और अब पुस्तक का लोकार्पण श्री भीष्म नारायण सिंह द्वारा, जिनको जनरल जे जे सिंह ने कहा गवर्नर ऑफ गवर्नर्स। डॉक्टर करण सिंह जी सांसद और पूर्व सदर रियासत जम्मू कश्मीर, उनकी एक बात तो मैं बताई हूँ पूर्व इसके कि वो माइक ले लें, वो ये है कि आपने उनको वेदों के मंत्रों पे ज्ञाता उपनिषद के विद्वान, ये सब तो आप सब जानते हैं। एक अनकही कहानी ये है कि डॉक्टर करण सिंह जी बहुत अच्छे गायक हिंदी में डोगरी में और ICCR के अध्यक्ष के रूप में संगीत संध्या में आप स्वयं बड़े तन मन से गाते थे और श्रोता आत्म विभोर हो जाते थे। डॉक्टर करण सिंह जी से अनुरोध है कि वो उद्बोधन करें। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे जे सिंह कर्ण मरवा हमारे सामने बैठे हुए हैं, पूर्व राज्यपाल भाई भीष्म नारायण सिंह, पूर्व राज्यपाल जनरल सिन्हा साहब और यहाँ उपस्थित मराठा फौज के प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज ये मुझे अवसर दिया गया कि इनकी जो अंग्रेजी की पुस्तक लिखी है उसके हिंदी अनुवाद के उत्सव पर मैं अध्यक्षता करूँ। आमतौर पर अध्यक्ष बाद में बोलता है, लेकिन मैंने अपने अध्यक्ष पद का दुरुपयोग किया क्योंकि मुझे एक और पुस्तक का विमोचन करना है साथ में, इसलिए मैंने पहले बोलना सोचा। जैन साहब ने बताया कि इनके दादा सिपाही थे, 3 पुश्तों से इन्होंने देश की सेवा की है, करण साहब यही है भगवान की कृपा से, और ये स्वयं सर्वोच्च पदवी जो सेना में होती है उस पदवी तक पहुंचे। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप जन साहब, आपका सारा करियर जो है बहुत अच्छा रहा है, आदर्श करियर रहा है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने कहा कि 3 पीढ़ियों से आप देश की सेवा कर रहे हैं, मैं 5 पीढ़ियों से सेना के साथ मेरा संबंध रहा। आप लोगों को आश्चर्य होगा, हमारे पूर्वज महाराजा गुलाब सिंह जिन्होंने इतना बड़ा राज्य भारत वर्ष में सबसे बड़ा राज्य जो था उसकी स्थापना की, वो आरंभ उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की फौज में एक सिपाही के रूप में उन्होंने आरंभ किया 13 महीने के बाद, और वहां से बढ़ते बढ़ते अपनी योग्यता अपनी वीरता के कारण कहां तक पहुंचे, और उनको चुनाव के किनारे पे एक अनूप शहर है वहां एक पत्थर के ऊपर बैठा के महाराजा रणजीत सिंह शेर पंजाब ने उनको अपने हाथ से राजतिलक और राजतिलक उन्होंने ऐसे दिया ऊपर से नीचे। तो पंडितों ने कहा नहीं महाराज जी नीचे से ऊपर दिया जाता, कहते नहीं मैं चाहता हूँ कि गुलाब सिंह का परिवार की जड़ें हमेशा इस देश में मजबूत रहे। लेकिन उनके आशीर्वाद से उनका परिवार तो नहीं रहा, लेकिन उनके आशीर्वाद अब कभी भूल नहीं सकते। और उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह ने ही जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस को बनाया, इसमें जनरल जोरावर सिंह जैसे जो एक विश्व में
सर्वमान्य जनरल हैं, कैसे उन्होंने वहाँ लद्दाख और कैसे वहाँ उन्होंने वो ऐसे पहाड़ों में लड़े जहाँ आज भी आप जीप लेकर ऑक्सीजन के बगैर नहीं जा सकते। उन्होंने डोगरा फौज को जो जम्मू और कांगड़ा की थी डोगरा फौज को लेके और वहाँ उन्होंने हजारों मुरब्बा मील जम्मू कश्मीर को बढ़ाया। ये सारे क्षेत्र जम्मू कश्मीर ऐसा नहीं बना कि हमारे गुरुजों ने बनाया, हम लोगों ने अपना लहू दिया हुआ है वहाँ हमारे फौज ने। और जब बाल सिंह ने गिलगित को फतह किया तब जाके ये रियासत बनी। तो मेरी भी 5 पीढ़ियों से उसी के साथ मेरा संबंध रहा। स्टेट फोर्सेस के बाबूजी कमांडर इन चीफ से पहले मुझे पहले सब सेकंड लेफ्टिनेंट बनाया गया जब मैं युवराज था। उसके बाद परिवर्तन हो गया सारी परिस्थितियों का। और फिर एक दिन मुझे 1962 में जब डॉक्टर राधाकृष्णन का किताब आती है कि कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन अपॉइंटेड एन ऑनररी मेजर जनरल इन द इंडियन आर्मी, तो मैं इंडियन आर्मी का भी मेजर जनरल हूँ। और इसलिए मेरा संबंध सेना के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है और सेना से मैं हमेशा प्रभावित रहा हूँ। मैंने सारे युद्ध देखे, 47 में तो खैर जो हुआ सो हुआ, उसके बाद जो 62 में हुआ, 65 में हुआ, जो कारगिल का हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ जिसमें हमने ऐसी विजय प्राप्त की जो आज तक भारतवर्ष से नहीं। तो मैं इस समय यही कहूँगा कि हमें अपनी सेना के ऊपर गर्व है। हम चाहते हैं कि ये सेना हमेशा शांति सेना बनी रहे, लेकिन यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि भारतवर्ष के ऊपर कोई खतरा आता है तो हमारी सेना ने जैसे आज तक देश की रक्षा की तो विश्व में भी अवश्य रक्षा करते रहेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास। और जनरल जे जे सिंह जैसे हमारे अफसर रहे हैं और उनका इस किताब अभी मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, 10-12 दिन पहले उन्होंने भेजा था मुझे, लेकिन व्यस्त रहा, शिलोंग गया हुआ था, फिर आज सारा दिन ये रही नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी। लेकिन उसमें बहुत रोचक बातें बताई हैं, थोड़ी सी जो मैंने नज़र डाली उन्होंने अपने जीवन के बारे में। और अनुपमा जी को विशेषकर मैं बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि उनके बिना इनका ये इतने सफल नहीं होते। मैं कह सकता हूँ गौरव से आप मानते हैं कि अगर अनुपमा का साथ नहीं रहा हो हमेशा, क्योंकि पति और पत्नी दोनों इकट्ठा चले तब जाके कोई मंजिल के ऊपर पहुँचा जाता है। तो मैं सारे परिवार को बधाई देता हूँ, जिंद साहब को बधाई देता हूँ, ब्रिगेडियर साहब ने संस्कृत की बात की इसलिए संस्कृत में ही मैं एक संस्कृत श्लोक से ही अपना भाषण समाप्त करूँगा, जो एक महालक्ष्मी की प्रार्थना है कि वो हमेशा हम सब के ऊपर और विशेषकर आप और आपके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। यही हमारी प्रार्थना है। या सा पद्मासनस्था विपुल कटिकटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीरावर्तना भी सरभरण मिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीय लक्ष्मी दिव्येन्द्र मणिगण खजते श्लाघना मुखे नित्यम सा पद्मास्ता तम वस्तु गृहे सर्वमांगल्य। डॉक्टर करण सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थोड़े समय में कम शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। पुस्तक लोकार्पण श्री कृष्ण नारायण सिंह जी ने किया और अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना वक्तव्य दें। पूर्व के हर हल्का सा परिचय सिद्धम सिंह का बात जैसा अच्छा ठीक है। तो श्री कृष्ण नारायण सिंह का कहना है कि जनरल सिन्हा का वक्तव्य पहले हो जाए और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जनरल सिन्हा का परिचय हम आपको क्या दें, आप सभी उनसे परिचित हैं, लेकिन ये अवश्य कहूँगा कि जनरल सिन्हा ने पूरे जीवन में जम्मू और कश्मीर को जितने निकट से देखा है वो शायद ही हमने और आपने कभी उसको न देखा होगा। विशेषज्ञ हैं, बाद में वहाँ के जब राज्यपाल बने
तो उन्होंने अनेक समस्याओं का समाधान किया। और उसके पहले जब असम के राज्यपाल हुए तो असम के धरती पुत्र के का जो सम्मान है वो आपको दिया गया, तो जनरल श्रीनिवास कुमार सिन्हा जो बहुत ही कम आयु में पटना विश्वविद्यालय से पहली डिग्री जिन्होंने प्राप्त की, सेना में ख्याति प्राप्त की और हमारे सभी अधिकारियों और जवानों के बहुत ही प्रिय रहे, उनसे अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य दें। जनरल एस के सिन्हा। माननीय कृष्ण नारायण सिंह जी, जनरल जय जय सिंह जी, ब्रिगेडियर शाम देवी और प्रश्न, मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आने का सौभाग्य मिला। इसके पहले जब इंपीरियल होटल में जन जे जे सिंह का अंग्रेजी पुस्तक का विमोचन हुआ था वहाँ भी मैं उपस्थित था। भाषण सुनते हुए के बारे में ध्यान सुनते हुए बातें याद आई जो मैं समझता हूँ मैं आपके सामने रखता हूँ। जिन तेजी सिंह का जन्म उस समय मैं बर्मा की लड़ाई की जब हमें भाग ले और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हमारी दो साल की नौकरी हो चुकी थी और हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। कहावत बना है सिपाही का बेटा कर्नल, कर्नल का बेटा जनरल। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ मिलता जुलता है। मेरे दादा अंग्रेजों के जमाने में एक पुलिस जनरल बने, एक प्रांत के सर्वोच्च पुलिस ऑफिसर बने और भारत में 1947 के पहले वही एकमात्र पुलिस जनरल बने थे। उनके बाद स्वतंत्रता के तुरंत बाद हमारे पिता पुलिस जनरल बने, वो भी बिहार पुलिस के मान में थे और मैं उसके बाद सेना में आया। हमें याद है कि सेना में जब मैं जा रहा था हमारे दादा ने हमें क्या कहा, उन्होंने हमसे यह कहा कि हम 35 साल पुलिस में नौकरी किए अंग्रेजों के जमाने में और बराबर अपना त्याग पत्र पॉकेट में रखते थे, किसी के सामने झुकना नहीं, अपने आदर्शों का पालन करो और अगर त्याग पत्र देना है तो बिना हिस्ट्री में दे सिद्धांतों से समझौता नहीं करना और हमें जब ऐसा मौका हुआ कि मैं त्याग पत्र दूँ तो मैं बेगर हिचक त्याग पत्र और कोई विवाद नहीं सेना छोड़ने में चला गया। और फिर जो हमें एक बात और दो बात याद आती है कि जनरल जय जय सिंह से हमें पहला मुलाकात 1900 2001 में था या 2003 में,
जब ये पश्चिमी क्षेत्र के सेनापति थे। मैं भी पश्चिमी क्षेत्र का सेनापति रहा इनसे करीब 30 साल पहले। तो एक निकटता संबंध बन गया और जब ये सेनाध्यक्ष थे तो मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था, वहां के साथ काम करने का मौका मिला। इनके आचरण से, देशभक्ति से और इनकी निपुणता से मैं बराबर बहुत प्रभावित था। और सबसे बड़ी बात है जो कि आजकल के सैनिक अफसरों में कि हमारी सेना का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। विश्व का कोई ऐसा सेना नहीं है, अमेरिका वगैरह को छोड़कर, फ्रांस को ले लीजिए, इंग्लैंड को ले लीजिए और हमारे पड़ोसी देशों को ले लीजिए, जहाँ सेना ने मिलिट्री को नहीं किया। भारतीय सेना मात्र है जिसे नहीं, अमेरिका में मिलिट्री को नहीं हुई और अमेरिका की स्थापना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सैनिक ने किया, जॉर्ज वॉशिंगटन। तो एक बड़ी बात है जो हमें इस परंपरा को बनाए रखना है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि द आर्मी ऑफ इंडिया हैज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड द नेशंस विल एंड नॉट इम्पोज इट्स ओन विल ऑन द नेशन। भारतीय सेना का एक परंपरा आ रहा है कि राष्ट्र आदेश को पालन करना और राष्ट्र को आदेश नहीं करना, ये एब्सोल्यूट आर्मी की खूबी है। इसको हमें बनाए रखना है और ये परंपरा हमें सिर्फ जब तक हम सैनिक वर्दी पहनते हैं तब तक ही रखना है। तो सेना छोड़ने के बाद खासकर जो सीनियर ऑफिसर्स हो जाते हैं उनको अपने को धारण स्वरूप रखना है, तभी सेना का मनोबल बराबर बढ़ेगा। एक और बात है, हमारी सेना राष्ट्रीय सेना, हम किस जात के हैं, किस इलाके में हैं, किस कौम के हैं, किस घर के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सेना में हमारा धर्म है देश की सेवा, अपने नीचे सिपाही जो हैं, हमारे नीचे लोग काम कर रहे हैं, उनके देखभाल और फिर उसके बाद अपने बारे में सोचते हैं। ये एक सेना का अवसर का धर्म है। और उसके फलस्वरूप सेना में जय जय सिंह साहब को कोई सिख जनरल नहीं कहेगा, उनको मराठा जनरल कहेगा, क्योंकि वो मराठा पॉलिटिक है, उन्हें अपने को स्वयं मराठा मानना पड़ेगा। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, सेना में मैं गोरखा पलटन के बाद रहा, हमें लोग को बिहारी जनरल नहीं कहना, हमने विचार कर लिया कि मैं बिहारी जनरल, मैं अपने हुसूस पर रहा कि मैं गोरखा जनरल। ये सब परंपरा हमें निभानी है और
सेनाध्यक्ष जो होता है उसे किसी विवाद में पड़ना नहीं है, उसके ऊपर किसी को उंगली नहीं दिखानी चाहिए। एक संस्था है, देश की संस्था, उसे जमा अंग्रेजी में कहा गया है सीनियर वाइफ शुड बी अबव सस्पेंशन। सीनियर एक महान जनरल थे, महान व्यक्ति थे, महान देश के राजा थे, तो उसकी जो पत्नी है उस पर कभी संदेह नहीं, उसी तरह क्योंकि सेनाध्यक्ष किसी को संदेह नहीं। सेनाध्यक्ष एक संस्था है और वो संस्था को जेनरेशन का बहुत खूबसूरती के साथ और अंत वही परंपरा को उन्होंने राज्यपाल के रूप में निभाया। आपने शायद देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में जब वो राज्यपाल थे वो उनके पत्नी अरुणाचल के ड्रेस कोडों में बाहर घुमा करते थे। एक राज्यपाल का कर्तव्य है कि अपने राज्य की जनता का दिल और दिमाग और राजनीति में राजनीति से ऊंचा है। ये भी मेरा अनुभव रहा है। 11 वर्ष में राज्यपाल रहा पहले समय और राज्यपाल और अभी जो चित्र देखा अरुणाचल राजभवन का हमें याद आया इस दौरान 6 महीने के करीब मैं अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा ये सब ध्यान करते हुए और इस किताब को मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ चुका हूँ, हिंदी में पढ़ा है, बाद में पढ़ चुका मैं प्रकाशकों को जनरल जे.के. सिंह को धन्यवाद बधाई देता हूँ। और आज हमारे बीच बीड़े साहब जिनको जिनसे मैं परिचित हूँ और मैं गौरवान्वित हूँ मुझे उनके साथ इस मंच पर आने का मौका। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, हम जनरल एस.के. सिन्हा के आभारी हैं कि उन्होंने अपने वक्तव्य में इतिहास की बात कही और सैन्य परंपरा कितनी ऊंची है कि जो मराठों के बीच है वो मराठा है, जो गोरखों के बीच है अधिकारी चाहे वो कहीं के हों वो गोरखे हैं। और संभवतः जो पंजाब में ये परंपरा नहीं है कि आप अपने नाम के साथ पिता का नाम भी जोड़ें, लेकिन जिनको हम प्रिय जे.जे. कहते हैं वो जोगिंदर जसवंत सिंह है, जोगिंदर सिंह स्वयं जसवंत सिंह उनके पिता। तो ये परंपरा मराठों की स्वयं का नाम और पिता का नाम। जब सिन्हा को अनेक धन्यवाद कि हमारे बीच जो मंच पर जितने लोग बैठे हैं सबसे वरिष्ठ आयु में वही और फिर भी इतने स्वस्थ हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि आप शतायु हो और स्वस्थ रहें। और अब श्री भीष्म नारायण सिंह, आपका जन्म 13 जुलाई 1933 को उदयगढ़ जिला पलामू जो पहले बिहार में था और झारखंड में चला गया है, वहाँ पर आप एक कुशल राजनीतिज्ञ रहे हैं। इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में अनेक बार मंत्री विभिन्न विभागों के रहे हैं और जैसा आपने कहा सुना कि गवर्नर्स गवर्नर कहते हैं आपको, क्योंकि श्री भीष्म नारायण से 6 राज्यों के गवर्नर रहे हैं। और
ये अपने आप में एक उपलब्धि है, क्योंकि एक राज्य का गवर्नर होने पर गवर्नर यदि अपनी बात ठीक से कहे तो मुख्यमंत्री से विवाद हो ही जाता है और फिर उस राज्य को कोई दो में से एक को छोड़ना ही होता है। आप छह राज्यों में मुख्यमंत्रियों को झेलते रहे और बहुत अच्छी तरह से आपने अपना शासन किया, इसके लिए हम आपके आपको बधाई देते हैं। आदरणीय श्री कृष्ण नारायण सिंह जी से अनुरोध है कि वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य श्री भीष्म नारायण सिंह विचार से भी समस्या का समाधान, ये दोनों का सम्मिश्रण होना बड़ा जरूरी है।
हमारे देश में खास करके ज्यादा उपलब्ध है और ये बड़ी गर्व की बात है। बहुत अच्छा जनरल सिन्हा साहब ने बात कही कि इतना बड़ा लोकतंत्र जिसके बारे में चर्चिल ने कहा कि भारतवर्ष में तो सफल होने नहीं, तर्क दिया। आप तर्क सुनेंगे तो लगेगा कि सही कहा है। आर्काइव्स में उस वक्त के अखबार होंगे तो आप पढ़ेंगे जब आजाद हुए हम लोग उस वक्त का। चर्चिल ने यह कहा कि भारतवर्ष में इसलिए संसदीय प्रणाली सफल नहीं होगा कि तीन मूल बात होना आवश्यक है संसदीय प्रणाली के सफलता के। पहली बात यह जरूरी है कि 100% लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, 100% एजुकेशन होना चाहिए। चर्चिल ने दूसरी बात कि अत्यधिक लोग एक ही कल्चर पे मानने वाले लोग, और तीसरी बात कहा कि एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को चाहिए। ये तीनों भारतवर्ष में नहीं था, मगर वो भूल गए कि भारत की जनता जो पढ़ी लिखी नहीं भी है उनको अर्थी निजम है, ये भूल गए। और भारत में जो लोकतंत्र की परंपरा है, जनरल सिन्हा साहब बहुत विद्वता भी रखते हैं, वो किताब भी लिखे हैं। 4000 पहले वर्ष पहले ही लोकतंत्र की स्थापना वैशाली में हो गया था सर। तो हमारी जो लोकतांत्रिक परंपरा है, जीवन पद्धति रही है भारतवर्ष, ये भूल गए थे। आज तक लोकतंत्र वो सफलता के साथ चलते रहा आ रहा है इस देश में, उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जनरल सिन्हा साहब ने कहा कि कहीं भारत में कभी, मैं तो ये कह सकता हूँ कभी भारत की सेना सोच भी नहीं सकती कि भारत में लोकतंत्र न रहे और तू हो जाए, सोच भी नहीं सकती। मैं चूंकि मेरा भी 58 बरस का समाज सेवा का जीवन रहा है आपका, तो मैं तो और बॉक्स से मेरा बहुत ताल्लुक। नॉर्थ ईस्ट में जो गवर्नर रहेगा, हम जब गवर्नर थे ना नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अपनी बात क्या मैं, उस वक्त असम के गवर्नर आसाम राइफल्स के लिए हुआ करते, तो आसाम राइफल्स का भी हेड था उस वक्त। असम के गवर्नर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के भी चेयरमैन हुआ करते थे, मैं उसका बता रहे हूँ, तो मैं उसका भी चेयरमैन था सचमुच। ये तो बड़ी सेना से ताल्लुक और एयरफोर्स का तो हेडक्वार्टर से लॉन्ग सचमुच बहुत गहरा ताल्लुक। मैंने झांक के देखा, जिसको कहते हैं हिंदी में बोल रहे हैं ना, लोगों के दिलों में झांक के देखा। और सही इसलिए कहा गया है कि सरपड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जो बाजुए कातिल में है, कातिल के कितना जो ये स्पिरिट हमारे सभी विंग के जो सेना है उनमें। और यही कारण है कि कभी कोई कम सोच ही नहीं सकता, और ये भारत का साथ दुनिया में लोकतंत्र के साथ साथ और भी बढ़ा दिया। और जनरल मुशर्रफ साहब का भी हमने चैप्टर पढ़ा था, उसका हमारी दिलचस्पी हो, हमने कहा मेरे जनरल जे सिंह का मुकाबला तो जनरल मुशर्रफ से हो सकता है, झूठ की बात भी आ चुकी। इतना पावर क्रेजी आदमी तो मैंने देखा ही नहीं, पावर क्रेजी। त्याग तपस्या की बात तो भूल ही नहीं, क्योंकि ये भी आपने लिख दिया किताब में कि ये पॉलिटिक्स कराना चाहते हैं, बात जगत जगत में ख्याल तब तक जेल में नहीं गए थे जब आप किताब लिखी। एक बात बता रहे, खुद समझना चाहिए कि हमारे जनरल और जनरल जे सिंह ये नटसर में, मैं बताऊं कि चूंकि वक्त का भी ख्याल रखना ही पड़ेगा हम लोग और हम लोग जैसे लोग का ख्याल रखना। जनरल जे सिंह स्वयं भारतीय नेशनल इंटीग्रेशन के ये प्रतीक है, ऐसा मैं मानता हूं जनरल जे सिंह। और मैं भी जानता हूं, और सबसे तो मुझे इस बात की प्रसन्नता रहती है कि कितना स्वच्छ है किताब। मैं मुझे किताब पहले आ गई तो मेरी भी आदत है कि कहीं जाए बोले पढ़े जाएंगे तो लोग कहेंगे किताब का बेचने का मतलब ही क्या, तो देख तो लेना ही चाहिए। और सबका व्यस्त जीवन आज का आजकल तो ड्राइवर भी पाएंगे ये समझ नहीं। और एक बात जो एक श्लोक है आपको हम बता देते हैं, एक श्लोक के लिए खास करके हमारे मुस्कुरा रहे हैं बैठे हैं सामने ही मेरे श्लोक के अंतरंग मित्र हैं सामने ही कश्यप, कश्यप जी एक्स टाइटल परमानेंट है जान किचन की, हम लोग जितना एक्स है परमानेंट टाइटल के साथ जो प्रेजेंट है सब टेम्पररी, इस मत के चलिए का प्रचार करते ऑल टेम्पररी, क्योंकि तो कंटिन्यू खत्म होगा ही होगा। तो इसलिए एक धारणा बन गया है लोगों में कि अगर एक्स कोई हो गया तो उसको तो काम ही नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि
जनरल सिन्हा साहब को भी कुछ वैक्सीन नहीं देता है, मुझे पता है इस बात का, न बिहार में न दिल्ली में न कहीं। और जनरल जितेंद्र सिंह साहब जो साहब नहीं है, कश्यप जी आप लोग में से सकते हो, आपको वैक्सीन कौन देगा? लेकिन सही काम करना पड़ेगा। और राज्यपाल के बारे में मैं स्पष्ट एक बात बता देता हूँ, जैसे जनरल सिन्हा साहब ने कहा कि आर्मी चीफ को विवाद से ऊपर और उसको बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, उसको समर्पित राष्ट्रपति उसको गवर्नर का भी हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर बन रखा है। अब के समय राष्ट्रपति का जो वोट है वही गवर्नर का वोट है, वो वोट किसी का नहीं, मुझे कोई बता वाइस प्रेसिडेंट का भी वो वोट नहीं, और वो वोट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन और फिर उनको सर्व करना है अपॉन द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ये दो वोट है उनका। और हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस गवर्नर को भी, मैं तो पोलिटिशियन आज भी होता हूँ और मैं भी एक टिकट से वही गवर्नर रह गया, तब तक राज्य में रहा, तमिलनाडु तक भी रह गया सर पीछे नॉर्थ से जाकर, लेकिन मेरी भी शपथ शपथ का निर्वाह होना चाहिए। आठ मुख्यमंत्री हमारे साथ काम किए, आधा मुख्यमंत्री जो थे वो गैर कांग्रेस थे, महत्ता तक जिसको खुद खुद जानते हैं हमारे जनसेना साहब, मेरे ऊपर तो नहीं है, ठीक, ये तो आप पर निर्भर करता है। और गवर्नर चाहे वो पॉलिटिक्स से आते हों, सिविल सर्विस से आते हों या फौज से आते हों, गवर्नर को तो जवाब होगा, उसी जसवाइज बड़ा भारी मैंने एग्जाम में किया कि गवर्नर को मानना चाहिए। और अब कोई नहीं जबरदस्ती आप पर बिठाएगा, ये मैं तो ही देखता हूँ। और इससे होगा क्या, संस्थाएँ मजबूत होंगी। और गवर्नर के बारे में आपकी किताब में मैंने एक चीज देखा जनरल सिंह जी की सेक्रेटरी ने लिखा है उसमें कि गवर्नर सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नर इज नेवर एजेंट ऑफ द सेंटर, ही इज नेवर एजेंट ऑफ एनी वन, गवर्नर इज का ऑफिस इज द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर दो दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं, पहला 1979 में रघुकुल तिलक और रघुवीर पंत के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हेडेड बाई जस्टिस शर्मा, और अभी हाल में आया है 2010 में जजमेंट, वो पिटीशन फाइल कर दिया था, मेरा ख्याल है वो राज्यसभा मेंबर थे, उन्होंने पिटीशन फाइल किया, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सीधा जजमेंट है, साफ कहा है कि गवर्नर इज गेटिंग कॉल्ड वाइटल लिंक बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, बट इज नेवर एजेंट, नेवर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी वन, ही होल्ड्स इंटायरली इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, और उसका लेटर इन स्क्रिप्ट में हम लोगों ने निर्भर, मैं आपको बता दूँ, कोई अब मैं नहीं कभी किसी दूसरे से भी आपको बताऊंगा, वो किताब में थोड़ा सा सुधार की जरूरत, हमको भिजवाया है किताब में जनरल देवी सिंह ने, उस पर लिखा हुआ है गवर्नर किसी के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि तो किसके हो जाएंगे, वो तो स्टेट के प्रति ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट ही इज वाइटल लिंक, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है पावर का संवैधानिक प्रावधान है, स्टेट है सेक्टर है, एक लिंक होना चाहिए, दिस डजंट मीन कि और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इस वजह से वो प्रेसिडेंट के नॉमिनी प्रेस दैट इज बोर्ड ऑफ अपॉइंट, ये इंटरप्रिटेशन भीषम नारायण में नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का दो दो बार उसको हमको ध्यान रखना चाहिए। और दस तो चूंकि जनरल सिन्हा साहब ने उसको भी कुछ कहा, तो मैंने सोचा कि गवर्नर्स के लिए भी बात हमारे हमारे तरफ से निकलना चाहिए, कुछ होना चाहिए। और जनरल तेजस सिंह जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने इतना बड़ा स्लोशन दिया जिससे उस किताब का लोकार्पण हम लोग कर सके, और हिंदी का था, इधर हिंदी का पटवारा भी मिल रहा था, ये बड़े सही समय पर इसका लोकार्पण हिंदी किताब का हुआ, और हिंदी को भी कभी नहीं भूलेंगे आपको, मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, अंग्रेजी बिल्कुल जानना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन सेना में तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, कि हमको खुद का अनुभव सबसे ज़्यादा, और उसमें आपने किताब लिखवाया क्योंकि हमारी बात ना सब हो गई, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, तो उसको उसका हमको ध्यान जरूर रखना चाहिए, उसके लिए भी आपको बहुत बड़ी बधाई दूंगा, और आप सब लोगों को भी इसलिए बधाई दूंगा, इतने भाषण के बाद आखिरी भाषण वाले को भी आपने धैर्य से मेरी बातों को सुना, मैं बहुत बड़ा श्री भीष्म नारायण सिंह जी को धन्यवाद कि उन्होंने
गवर्नर की संवैधानिक स्थिति क्या है इसको स्पष्ट किया और किस प्रकार उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने उस पर जो कहा। मुझे आशा है कि आगे आने वाले जो राज्यपाल हैं वो इसी के अनुरूप ईश्वर नारायण सिंह जी की सलाह मानने में कार्य करेंगे। आपका आगाज हिंदी प्रेम उसे हम सभी प्रभाव देवी और सज्जनों, मैं श्री प्रभात कुमार जो इस सभा के संयोजक हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद क्या करें। प्रभात कुमार जी, मित्रों, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। यहाँ उपस्थित सभी अभ्यागतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मात्र औपचारिकता नहीं है। प्रभात प्रकाशन सचमुच हृदय से आभारी है, अभिभूत है आपके आगमन से। प्रभात प्रकाशन का सदैव प्रयास रहा है कि वो देश में एक जागृति पैदा करने वाली, सामाजिक चेतना जागृत करने वाली पुस्तकों का प्रकाशन करें। आज जनरल जय सिंह की पुस्तक उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। जनरल साहब का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने यह पुस्तक प्रकाशित करने का अवसर हमें दिया। समारोह की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर करण सिंह को किसी कार्यक्रम में जाना समय चले गए, परंतु उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा पुनीत कर्तव्य है। श्री भीष्म नारायण सिंह भारतीय राजनीति में उन गिने चुने लोगों में से हैं जो आदर्शों की राजनीति करते हैं और वो सचमुच में गवर्नर गवर्नर हैं, पीपल्स गवर्नर हैं। उनका हार्दिक आभार। न केवल सैन्य क्षेत्र में अपितु गवर्नर के रूप में भी ख्याति अर्जित की। वे हमारे लेखक भी हैं, उनकी दो पुस्तकें प्रकाशित करने का हमें गौरव मिला, मिशन असम और मिशन कश्मीर। मैं हृदय से उनका भी आभारी हूँ। सफल संयोजन करने के लिए ब्रिगेडियर चित्रेंद्र सावंत का हार्दिक आभार। उनकी सरल सरस शैली से सभी प्रभावित हैं वो हमने आज भी देखा। और यह सभागार में आप सब अपने अपने क्षेत्रों के अग्रणी लोग यहाँ समय लेके आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन। प्रिंट व मीडिया के बंधुओं का हार्दिक आभार। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का आभार कि उन्होंने ये सुंदर व्यवस्था हमें दी। एक बार पुनः आप सबके प्रति कोटि कोटि आभार। अब वंदे मातरम होगा, प्रस्तुत कर रही हैं परम विदुषी श्रीमती सुधा सावंत जी, जो वेदों की अध्येता हैं और जिनकी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों में गहरी अभिरुचि है। आप सबसे आग्रह है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और यह पुस्तक जिसका आज लोकार्पण हुआ है मात्र 500 रुपये में उपलब्ध है, जो बंधु लेना चाहे ले सकते। आइए, आप सभी से अनुरोध है कि माँ भारती की वंदना में हम सब साथ दें। वंदे मातरम आप सभी गाते होंगे, मेरे साथ आप अवश्य गाएं। वंदे मातरम सुजला श्यामलां मातरं वंदे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल Good.
इस हॉल के पीछे जलपान की व्यवस्था है, कृपया सब लोग जलपान करें।